वो देख के बड़ा दुख होता है, ये क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में जिसका कोई वजूद नहीं होता है। मैं धीरे धीरे सोचता था कि ये जगत और वो जगत कहां तक है। तो प्राणनाथ स्वामी ने जब भी हमें ज्ञान दिया तो क्या कहा कि ये क्षर जगत, ये अक्षर जगत और ये परम धाम, इन जगत का हमें वर्णन करके समझाते। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं उसको नहीं समझूं, ताकि मुझे भी उनके जैसे आनंद मिलने लगे। तो मैंने भी मंथन शुरू किया, स्वरूप सार को पढ़ना शुरू किया कि ये कहां तक ये क्षर जगत है। ये जगत सोते मैंने देखा कि ये अष्ट आवरण से परे। मैंने बोला ये अष्ट आवरण वाला मामला तो बड़ा गंभीर है, 14 लोक के ऊपर और वहां पृथ्वी जल वायु तेज आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 मिलकर अष्ट आवरण और वो सब क्षर जगत है। फिर कहा इतना नहीं, उससे आगे चलो वो ज्योति स्वरूप है, वो भी क्षर है। तो हम कभी कभी ध्यान में बैठते हैं तो हमें प्रकाश दिखाई देता है और हम ये समझ बैठते हैं कि ये परम धाम का प्रकार हमें दिखाई दिया, मगर वो परम धाम का प्रकार नहीं है, ये क्षर जगत का प्रकार जो अष्ट आवरण के ऊपर है। फिर मैंने बोला इससे ऊपर कुछ, तो कई ऋषि मुनि इससे भी ऊपर गए, ये प्रकाश को छोड़ करके ऊपर गए। तब उन्होंने देखा कि यहाँ तो देखो 7 शून्य है और 7 शून्य के ऊपर आदि नारायण। फिर मैंने बोला उससे आगे कहाँ जाएंगे, तो बोलते हैं वहां महाशून्य आता है और महाशून्य के बाद क्षर जगत समाप्त होता है और फिर वहां से अखंड जगत शुरू होता है। तो ये जो मूल है वो है 7 शून्य और ये 7 शून्य सब महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं। यानी हम कितना भी दौड़े और यहां से हमारे ऊपर 6 लोक है जहां सुख ही सुख है, मगर वहां भी जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो एक रोज नष्ट हो जाएगा। कहां नैमित्तिक प्रलय हो जाएगा, कहीं प्राकृतिक प्रलय हो गया और भी आगे चले चले शून्य के पार भी गए, महाशून्य तक पहुंच भी गए, कई लोग पहुंचे, मगर महाप्रलय में वो भी नष्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक शून्य से काम क्यों नहीं चलता है, 7 शून्य और एक शून्य से दूसरा शून्य एक खरब योजन बड़ा होता है, एक खरब योजन एक शून्य से दूसरा उससे और बड़ा, उससे और बड़ा। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा क्या जरूरत थी। तो सोचते और कहीं ध्यान लगाने से पता चला कि इस संसार में जो भी स्वर आते हैं, जो भी रंग आते हैं, जो भी मस्ती आती है, वो सब वहीं से आती है। प्रभा गाए या कोई भी गाए, मगर वो जो सुरीले स्वर है ना, वो कहां से आते हैं, 7 शून्य से आते हैं। और इस जगत में जब आते हैं तो आते 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 उसको डाइल्यूशन हो जाता है, इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग सबस्टेशन की जरूरत होती है। तो वहां 7 ऐसी शक्तियों का सबस्टेशन है बीच में, जो 7 के शून्य से उत्पन्न होते हैं। और बता सकता है कोई ये 7 शक्तियां कौन सी है, ज्यादा जोर मत लगाना। बिल्कुल नीचे शंकराचार्य और वल्लभाचार्य बैठे हैं, उसके ऊपर चलो ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं और उसके ऊपर चलो ज्योति स्वरूप और गायत्री बैठे। ऐसे कुल मिला के 7 शक्तियां जो हमारे क्षर जगत को कुछ देती है वो वहां से आ। तो महाशून्य तक हम पहुंच भी जाए तो वही ग्रंथि है जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, वही इच्छा की शक्ति है और वो इच्छा शक्ति ही 2 प्रकार की इच्छाएं होती है,
मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारी इच्छाएं दो किस्म की होती है, ऐसे भगवान की भी दो किस्म की इच्छा है। एक कि मैं ये माया को ठीक से चलाऊं, तो वो हो गई ई इच्छा शक्ति, उसको दूसरी भाषा में मंगला शक्ति भी कहते हैं। और दूसरी एक इच्छा है कि ये परम धाम में जो भी विलास हो रहा है उसका मैं आनंद लूं, और वो हो गई चिदानंद शक्ति, उसको अहिं अनि शक्ति भी कहा जाता है। हमारे अंदर भी यही हाल है, कभी कभी ये माया की मस्ती के लिए दिल तरसता है और कभी कभी परम धाम के लिए तरसता है। क्यों? क्योंकि हम भी ऐसे ही आए हैं, और ये दुनिया भी देखनी है, वो दुनिया भी देखनी है। अब हम जहां भी फोकस करेंगे वहां की मजा आएगी। तो हमें प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर आपको इस संसार में दुख लगता है, आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो आपको एक दवा बताता हूं बड़ी, इसीलिए तो हमारे हबीब कहे जाते हैं। उन्होंने ये दवा बताई कि देखो, मैं तुम जो विस्मृत हो गए हो उसकी स्मृति देता हूं। तुम परम धाम से आई हुई आत्मा परमात्मा की अंश हो, और इस जगत में ये खेल देखने के लिए आने से यहाँ के वस्त्र, यहाँ के शरीर, यहाँ की बुद्धि आपने धारण की है, और उसी हिसाब से आप चलते हो, इसलिए दुखी हो। जो तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं, तुम्हारा स्वभाव है आनंद, क्योंकि तुम आनंद स्वरूप महाराणा की अंगना हो। योर बीइंग इज डिफरेंट, और यहाँ आके आप डिफरेंट हो गए, तो मैं तुम्हें उसकी स्मृति दिलाने के लिए आया हूँ कि याद करो। और हम कहते भी है कि तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिला। उस जगत में से कोई आए तभी तो हमने बताए कि वहां क्या है, तो खुद वहां से हमारे श्री राजजी महाराज ने श्यामा महारानी को हमारे वास्ते भेजा, और यहाँ आके देखो कि आज 400 साल के बाद भी हम उनको याद करते। हमारे बाप दादाओं को तो उन्होंने सही रास्ते पे लगा दिया, और हमें भी वहां ले जाने के लिए साक्षात यहाँ गिरा देगा। हमें उनका चिंतन करना है। एक छोटी स्टोरी बताऊं, शंकराचार्य जी ध्यान में बैठते थे, उनका एक खजूरी पदम कहीं बाहर गया। उस समय एक यमन शंकराचार्य से संतुष्ट नहीं था, और हमेशा ऐसा ही होता है इस जगत में, हमेशा ऐसा ही होगा। ये हमें बिल्कुल संकल्प के साथ सोचना है कि आप कितना भी करो मगर सब आपके लिए अच्छा ही बोले, अच्छा ही भाव रखे, वो संभव है ही नहीं, क्योंकि ये द्वैत का जगत है। तो शंकराचार्य जैसी व्यक्ति जो पूरे हिंदू सनातन धर्म को एक नीच करने वाला आदमी, उसको मारने के लिए सोचा आया। वो ध्यान में बैठे थे, उसने तलवार निकाली, और जैसे ही मारने वो गया, उनका वो हजूरी बाहर से जैसे प्रविष्ट हुआ, देखा कि ये मेरे गुरु को मार रहा है, तो वो नरसिंह अवतार का भक्त था। ऐसे दुबला पतला आदमी, मगर भक्ति किसकी करता था? नरसिंह भगवान। और उस समय उसको इतना जोश आया, और भक्ति किसकी? नरसिंह भगवान की। तो नरसिंह भगवान की शक्ति उसमें आ गई, और फिर उसने ऐसे पकड़ा उसको और वही उसको मार डाला। सब हम जिसका चिंतन करते हैं, अगर हम परम धाम का चिंतन करेंगे
राजजी महाराज का चिंतन करेंगे तो उनके जो भी गुण है, हम कहते हैं आठ सागर यानी क्या, उनके आठ गुण जो है उनमें इतनी कृपा है, वो तो कृपा रूप दया का सागर है। उसमें नूर, नूर यानी आभा, अंदर की प्रतिभा, नूर यानी प्रकाश नहीं प्रतिभा। तो ये प्रतिभा परमात्मा की, उसका ज्ञान, उसका प्रेम, उसकी क्या बोलते हैं सरलता, ये सब उनके जो गुण है, अगर हम उसका चिंतन करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आते हैं, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि इस दुनिया का जो काम क्रोध मोह ईर्ष्या वैमनस्य मेरा तेरा, ये सब निकल के वो प्रेम दया वो सब भाव हमारे अंदर आने लगे। इसीलिए हमें हमारे खुद को बदलने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। हम अगर सुबह शाम परमात्मा के साथ हमारे तार जोड़ दें, इसीलिए एक स्थान पर बैठना बहुत जरूरी है। मंदिर का निर्माण इसीलिए हुआ, प्राणनाथ जी भी इतनी बड़ी जगह थी मगर एक ही स्थान पर बंगला जी में बैठ करके सभी को ज्ञान देते थे, चिंतन करते थे और कराते थे, क्योंकि एक ही जगह पे बैठना बहुत ही जरूरी है। वो आपके वाइब्रेशन से पूरी कमरा या जो स्थान है वो चार्ज हो जाते है। इसलिए सबसे पहले अगर घर में कोई जगह हमने स्वरूप सास नहीं पधराया, सेवा पूजा नहीं पधराई, तो एक कोना कम से कम, कमरा न हो तो कोना ऐसा होना आवश्यक है जहाँ हम राजजी महाराज को पधराए और सुबह शाम उनके पास जाकर बैठे। घर में से बाहर जाने के पूर्व कम से कम उनको नमस्कार करके जाए कि मैं कुछ काम से बाहर जाता हूँ, आके फिर हाजिरी दर्ज कराए कि मैं वापिस आ गया हूँ, फिर देखो आपके जीवन में क्या होता है, क्योंकि वो तो दया का सागर है। हम कभी कभार याद कर ले और सोचे कि ये हमारे जीवन में कोई मजा नहीं आती, बड़ा झगड़ा है, होगा ही, क्योंकि चिंतन परमधाम का नहीं ये जगत का ज्यादा होता है। जो जो अर्श नजीक होते हैं, जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ेगा, हमें परमधाम के 25 पक्ष और वहां 25 पक्ष में से एक भी पक्ष में कहीं लड़ाई झगड़ा होता, इसलिए याद आने का सवाल ही नहीं है। वहां तो प्रेम ही प्रेम, किसी को आगे कर दिया तो भी कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए वहां का चिंतन करेंगे तो यहाँ का सब धीरे धीरे चला जाए। तो ये हमारा चिंतन चालू रहे, कम से कम खुद के लिए। दुनिया का तो जो होना होगा वो होगा, आज दुनिया तो जल ही रही है, भारत वर्ष भी जल रहा है, सभी धर्मों भी चल रहे हैं और पूरा विश्व आज चल रहा है। मालूम नहीं कब कयामत होगी, कैसे कयामत होगी, मगर हमारी कयामत यानी आत्म जागृति हो जाए, इसी शुभकामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री प्रणाम।